नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताते हैं रोजमर्रा की लाइफ में पेश होने वाली इन तमाम बीमारियों के बारे में, आप उन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, कैसे आप उन बीमारियों से अवगत हो सकते हैं। दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। इस मौसम में जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनकी किस तरीके से हम देखरेख कर सकते हैं, कैसे हम उनको सर्दी से बचा सकते हैं, आज हम इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इसी चर्चा को खास बनाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर अरुण जैन, जो कि नवजात एवं बाल रोग विशेषज्ञ हैं। दर्शकों, मैं आपको अरुण जैन के बारे में बता दूं, जो कि पिछले 17 सालों से आगरा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, साथ ही काफ़ी समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और वो गरीब लोगों की मदद करते हैं जो लोग पैसे नहीं जुटा पाते हैं। साथ ही आपको बता दूं, वो इस समय मेंबर हॉस्पिटल एडवाइजरी के रह चुके हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं, आज डॉक्टर से आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम सर्दियों में बच्चों को बचा सकते हैं, कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दर्शकों, सबसे पहले हम डॉक्टर का स्वागत करना चाहेंगे। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, इस मौसम में प्रेग्नेंट होती हैं जो लेडीज़, अगर डिलीवरी होती है उस टाइम पर, तो जो नॉर्मल डिलीवरी होती है और जो ऑपरेशन की जो करी जाती है डिलीवरी, तो उसमें क्या अंतर होता है? जी, नॉर्मल डिलीवरीज में जो बच्चा है, एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है, कुदरती प्रोसीजर होता है, उससे बच्चा पैदा होता है, वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है और उसमें बच्चे पूरे महीने में ही, जैसे 9 महीने 7 दिन का जो बच्चा होता है वो पैदा होता है। तो जो देखा गया है, नॉर्मल जो डिलीवरीज होती हैं वो बच्चे ज़्यादा हेल्दी होते हैं, और चूँकि वो एक्सक्यूज होके आते हैं मदर के पैसेज में से, तो उनके अंदर जो है बच्चे पैदा होते रोते हैं और उनकी एक्टिविटीज़ और नॉर्मली जो सारी चीज़ें होती हैं वो एक नॉर्मल की तरफ ज़्यादा रहती हैं। जी, अगर आप बात करते हैं सिजेरियन सेक्शन, तो सिजेरियन जो है तभी किया जाता है जब माँ में या बच्चे में कुछ कमी होती है, जैसे बच्चे की धड़कन अचानक कम होनी शुरू हो जाती है, या माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या अचानक बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, या थैली खुल जाती है, तो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन अगर होता है तो डेफिनेटली समय से पहले कभी कभी ऑपरेशन करना पड़ता है। तो बच्चा जो है समय से पहले अगर होगा तो प्रीमैच्योर बच्चा होगा, उसके शरीर का विकास और अंग जो है पूरी तरह से विकसित नहीं होंगे, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हम देखते हैं न्यू बॉर्न में आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बहुत कम होता है कि सीजन के बाद बच्चा हमें बिल्कुल ही नॉर्मल मिले, तो इसलिए नॉर्मल और सीजन में हमेशा देखेंगे सीजन वाले बच्चों में कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनमें कॉम्प्लिकेशन माँ में और बच्चे में पहले से ही होता है। जी बिल्कुल डॉक्टर, देखा जाता है कि जो आपने बताया कि ऑपरेशन के दौरान जो बच्चे होते हैं उनमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है, इसी के साथ अगर बात करें पीलिया की, तो ज्यादातर देखा जाता है कि बच्चे जो ऑपरेशन के थ्रू होते हैं उन बच्चों में पीलिया की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, इसका क्या कारण होता है? नॉर्मल जो ऑपरेशन से बच्चे होते हैं उनमें कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन जिसमें बताया आने की संभावना ज़्यादा होती हैं। तो जैसे प्रीमैच्योर बेबीज हैं, उनका वजन जो होता है वो समय से पहले हो जाते हैं, है ना, 9 महीने के बच्चे नहीं होते हैं, 8 महीने के होते हैं, 7 महीने के होते हैं, तो उनके अंदर जॉन्डिस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, और उसमें उसको कंपैरिजन में देखा जाए तो उनकी प्रतिरोधन क्षमता कम होती है, तो उनको हमें एक्स्ट्रा कवरेज और पूरी प्रिकॉशन लेके उनके उस चीज़ को कवर करना पड़ता है, ताकि पीलिया उसके दिमाग में ना चला जाए और कॉम्प्लिकेशन बच्चे में और ना बढ़ जाए। तो इसलिए होते दोनों में हैं, नॉर्मल में भी होता है पीलिया, हर एक बच्चे में होता है, और सीजन वाले में भी होता है, लेकिन चूंकि वो बच्चा अगर प्रीमैच्योर है या वेट कम है तो उसमें हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेते हुए उसको कवर करना पड़ता है, उसके अंदर जो जो प्रॉब्लम्स हैं, और इसलिए उनको थेरेपीज जो होती हैं वो प्रॉपर वे में मिलना ज़्यादा जरूरी होता है। जरूरी, डॉक्टर आपने इसे बताया कि नॉर्मल और सिजेरियन द्वारा जो किए जाते बच्चे उनमें पीलिया की संभावना दोनों में ही रहती है। अगर हम बात करें, अगर जब माँ के पेट में ही शिशु हो, अगर उस टाइम पर अगर हम बच्चे को जो पीलिया होता है उसका इलाज वहीं कर दें, तो कुछ ऐसा कुछ हो सकता है कि तभी वो हम बचा सके उसको? नॉर्मली जो पीलिया होता है उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, ये बच्चे में 3rd या 4th दिन आता है। अब जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चे में बहुत ज्यादा है, तो नॉर्मली ये 3rd से 4th दिन आता है और फिर ये बढ़ता है, 5वें 6वें दिन तक स्टेबल हो जाता है और फिर अपने आप कम होना शुरू हो जाता है, तो 7वें दिन या 8वें दिन तक हम देखते हैं ये पीलिया जो है अपने आप नॉर्मल रेंज में आ जाता है, यानी कि लेवल जो होता है वो हम अगर 10 से कम होता है तो हम इसमें कुछ नहीं करते, ये कुदरती अपने आप कम हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है, 12 है 14 है 15 है, और लगातार पीलिया बढ़ता रहता है, कम नहीं होता है, तो उन केसेस में हमें डिसाइड करना पड़ता है, तो उसको मशीन में रखना ज़रूरी होता है। तो इसलिए केस टू केस डिफर करेगा और उसका लेवल क्या है उस पर डिफर करेगा, ज़्यादा पीलिया अपने आप ठीक हो जाता है। कभी कभी गर्मियों में सुबह की पहली धूप बिना कपड़े के हम माँ बाप को वो करते हैं कि 10 मिनट आप अपने बच्चे को सुबह की पहली धूप
बिना कपड़े के, तो ये गर्मियों में तो लागू होता है, लेकिन आजकल सर्दियों में कृपया करके ये ट्राई ना करें, क्योंकि इतना खराब मौसम है। अगर आप बच्चे को इतनी सर्दी में बिना कपड़े के सुबह सुबह धूप में लेटाएंगे तो उसको बीमार होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये अपने डॉक्टर पर छोड़ दीजिएगा, वो अपने हिसाब से उसको डिसाइड करेंगे किसमें बच्चे को पीलिया की मशीन में रखना है, किसमें नहीं रखना है। इसलिए ये कहना गलत है कि नॉर्मल और सीजेरियन में कंपेयर करें तो सीजेरियन में ज़्यादा पीलिया होता है, ऐसा नहीं है, दोनों में पीलिया होता है, लेकिन चूंकि सीजेरियन बेबीज जो होते हैं उनमें समय से ज़्यादातर पहले होते हैं या उनमें कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो उसके होते हुए पीलिया का ट्रीटमेंट प्रमुख पर दिया जाता है। जी डॉक्टर, इसके साथ बात करूं, अगर कुछ जो बच्चे होते हैं, अगर मान लीजिए पहला किसी का बेबी होता है जो फिजिकली डिसपेयर होता है, तो क्या हम ऐसी कोई तकनीक अभी आई है हमारे इंडिया में कि जो आने वाला बच्चा है उसमें वो प्रॉब्लम ना हो? जी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जी बच्चों में जन्मजात कॉन्जेनिटल एनोमलीज होती हैं जो बच्चों में मिलती हैं, तो ये ज़रूरी है कि अगर जब अगली प्रेगनेंसी में उस बच्चे में हो सकता है, हम उसको बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती है कॉन्जेनिटल जिसको ट्रीटमेंट नहीं है अभी हमारे पास, तो अगला जब बच्चा होता है तो 8 से लेकर 12 महीने में वो होता है जाँच होती है, कोनिक विलर सैम्पलिंग CVS एम्नियोसेंटेसिस करके एक जाँचें होती हैं, और जो जांचें 8 से लेकर 12 हफ्ते का जब बच्चा पेट में होता है उस समय वो जांचें होती हैं, तो ज़रूरी है कि माँ वो जांचें अच्छे सेंटर पर जाके कराएं। ये जांचें हर एक जगह नहीं होती हैं, बहुत ही स्पेशलाइज सेंटर्स होते हैं, और प्लस अल्ट्रासाउंड की जो टेक्निक आ गई है अब 3D और 4D जो टेक्निक आ गई है अल्ट्रासाउंड की, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी एडवांस आ गई है अब, तो उससे भी बच्चे को पेट के अंदर ही कुछ कॉन्जेनिटल एनोमलीज होती हैं वो डिटेक्ट करी जा सकती हैं। तो इन टेक्नोलॉजी का माँ बाप इस्तेमाल करें, और आने वाले बच्चे में प्रॉब्लम है या नहीं है इसकी जानकारी होने पर अपने डॉक्टर से सलाह लें, उसका क्या ट्रीटमेंट है, उसका भी कुछ बीमारियों को तो पेट के अंदर ही ठीक कर दिया जाता है ऑपरेशन के द्वारा। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं हार्ट की और उसकी गुर्दे की जो पेट के अंदर ही ठीक कर दी जाती हैं, तो ये इतना एडवांसमेंट मेडिकल साइंस में हो चुका है, तो अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो काफ़ी हद तक हम इस तरह की जो जन्म जात प्रॉब्लम्स होती है बच्चों में उसे हमें निजात मिल सकता है। जी डॉक्टर साहब ने बताया कि नई टेक्निक आ चुकी है, इसके द्वारा हम जो दूसरा बच्चा आ रहा होता है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ अगर बात करूँ तो क्या पेरेंट्स इस चीज़ों से अवेयर हैं, क्या इस तरह के सवाल आपके पास लेकर आते हैं, अभी भी अवेयर हैं इसके प्रति? नहीं, बहुत कम लोग इस बारे में अवेयर हैं। नॉर्मली वो उन्हें जब बहुत लेट स्टेज में उन्हें जब पता लगता है तब वो कोशिश करते हैं कि अब क्या करें, लेकिन एक मैंने बताया एक टाइम होता है कि पहले 3 महीने जो होते हैं बहुत क्रूशल होते हैं, तो जो चेंजेस आने होते हैं वो पहले 3 महीने में आ जाते हैं। तो अगर गर्भावस्था में अगर 8 से 12 हफ्ते में अगर एनोमली डिटेक्ट नहीं हो पाती है तो आगे चल के फिर उसको ठीक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो समय पर रहते हुए अगर माँ बाप अगर जाग जाते हैं और इस चीज़ को एडवांटेज ले लेते हैं टेक्नोलॉजी का, तो शायद काफ़ी हद तक वो इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं डॉक्टर इसके साथ बात करूं, जब बच्चे का जन्म होता है तो बहुत सी वैक्सीनेशन की जाती है, तो वैक्सीनेशन के बारे में जानना चाहूंगी कि बच्चे के जन्म होने के कितने घंटे बाद या कितने दिनों बाद करनी चाहिए? जी जन्म पे हम 3 वैक्सीन लगाते हैं ओरल पोलियो, हेपेटाइटिस बी और BCG। BCG यहाँ कंधे पे लगाया जाता है, ओरल पोलियो मुंह से ड्रॉप्स दी जाती है, और हेपेटाइटिस बी बच्चे की टांग पे लगाया जाता है या मस्कुलर कहीं भी लगा सकते हैं हम। तो ये 3 टीके बच्चे को पैदा होते ही एज सून एज पॉसिबल, यानी कि जितनी जल्दी हो सके माँ बाप उस टीके को लगवा लें, बल्कि 15 दिन के अंदर अंदर तो हर हाल में टीका लग जाना चाहिए। कई बार माँ बाप बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालते हैं कि साहब सोबड़ है अभी हम बच्चों को घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, और काफ़ी दिनों बाद घर से बाहर निकालते हैं तो इसी उसमें बच्चे का टीका भी रह जाता है, जो काफ़ी गलत है। इसलिए जन्म पे जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो जन्म के 3 टीके माँ बाप को तुरंत लगवा लेने चाहिए, इवन day 1 यानी कि पहले दिन भी ये टीका लग सकता है पैदा होने के। जी डॉक्टर, देखा जाता है, आप कहा जाता है कि जो बच्चा जब जन्म होता है उसके बाद माँ को फीडिंग करानी चाहिए, जो माँ का पहला गाढ़ा दूध होता है वो उसके लिए अमृत समान होता है, मगर बहुत सी माएँ होती हैं कि वो बच्चे को नहीं फीडिंग करवाती हैं और वो मतलब और जो बोतल का दूध आता है उसको पिलाती हैं या गाय भैंस का दूध पिलाती हैं, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? जी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसमें बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं और बहुत ज़्यादा इसमें लेके माँ बाप जो है गड़बड़ करते हैं। जी सबसे इम्पोर्टेंट ये जैसे आपने बताया कि माँ का दूध अमृत होता है, बिल्कुल सही बात है। पहला गाढ़ा दूध जिसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं, ये पहले 2 या 3 दिन आता है माँ को, गाढ़ा पीला दूध होता है, भले इसकी मात्रा कम होती है लेकिन ये बच्चे को आने वाली बीमारियों से बचाता है।
तो इसको कई बार हमने देखा है माँ बाप देते नहीं है, उसको डिले कर देते हैं, उसको नहीं पिलाते हैं, तो बच्चा इस इम्पॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉम जो नाम का दूध है माँ का, उससे महरूम रह जाता है। और ये जो है आगे चल के ये बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं। ये देखा गया है जो बच्चे माँ का दूध प्रॉपर सेवन करते हैं, उन्हें पहला गाढ़ा दूध मिल जाता है, उनके अंदर इम्यूनिटी पावर यानी कि प्रतिरोधन क्षमता बढ़ जाती है और आगे उनको बीमारियाँ कम होती हैं और बीमारियों से लड़ने की क्षमता उन बच्चों में ज़्यादा होती है। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके तुरंत बाद अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो यानी कि 10 मिनट के अंदर अंदर माँ का दूध पिला देना चाहिए, और अगर सिजेरियन है तो आधे घंटे के अंदर अंदर माँ का दूध पिला देना चाहिए। अगर माँ बेहोशी की हालत में है, पूरी तरह से फीडिंग नहीं करा पा रही है, तो माँ का दूध निकाल के कटोरी चम्मच से पिला दिया जाए तो वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अक्सर सिजेरियन वाली जो डिलीवरीज होती हैं उसमें माँ बाप ये कहते हैं कि अभी माँ करवट नहीं ले पा रही है तो दूध कैसे पिलाएगी, इस चक्कर में हमने दूध नहीं पिलाया, और वो उसको ऊपर का दूध बॉटल से पिला देते हैं, जो कि एक बहुत गलत प्रथा है। आप बच्चे को माँ का दूध पिला सकते हैं बेशक, अगर माँ का दूध निकाल लिया जाए कटोरी चम्मच में, भले ही 2 बूंद आए, 4 बूंद आए, 1 ml आए, कृपया करके वो दूध बच्चे को ज़रूर पिलाएँ। और किसी भी हालत में गाय भैंस का दूध या ऊपर का दूध बच्चे को ना पिलाएं और बॉटल से दूध कभी ना पिलाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है सभी पेरेंट्स के लिए जिनकी अभी हाल के बच्चे हुए हैं, कि बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाएं और कुछ भी ना दें। जी बिल्कुल डॉक्टर, इसके साथ मैं जानना चाहूंगी, कुछ माएँ ऐसी होती हैं बेबी का जन्म होने के बाद उनकी डेथ हो जाती है या फिर कुछ कारणवश वो फीडिंग नहीं करा पाती हैं, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? जी, ये बहुत अनफॉर्चुनेट होता है, कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि माएँ बच्चों को दूध नहीं पिला पा रही हैं या उनके दूध नहीं आ पा रहा है या वो ऐसी कोई दवाई खा रही हैं जैसे दौड़े की दवाइयां कुछ माएँ खाती हैं तो उसमें दूध नहीं पिला सकती, या माँ का आंचल पक गया उसमें मवाद आ रहा हो तब माँ दूध नहीं पिला पाती, या कुछ बीमारियाँ हैं जिसकी जो दवा माँ खाती है वो माँ दूध नहीं पिला सकती, वरना आम तौर पर बच्चों को माँ का दूध ही मिलना चाहिए। ऐसे में माँ बाप चूज़ कर सकते हैं डिब्बे का दूध, 1 नंबर दूध आता है उसको पिला सकते हैं, और साथ में गाय भैंस का दूध भी रिकमेंडेड है। लेकिन कोशिश करिए कि अगर गाय भैंस का दूध प्रॉपर आजकल हम देख रहे हैं मार्केट में नहीं मिल रहा है, नकली दूध मिल रहा है या प्रॉपर दूध नहीं मिल रहा है तो उसको ना पिलाएं। लेकिन बनाते समय अगर गाय भैंस का दूध दे रहे हैं तो उसमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि गाय के दूध में कभी भी पानी नहीं मिलाते। अक्सर माँ बाप हमने देखा है बहुत ज़्यादा पानी मिलाते हैं कि गाढ़ा दूध है जम जाएगा पेट में, तो ये बताना चाहूँगा कि गाय के दूध में पानी नहीं मिलाते, और अगर भैंस का दूध है तो 3 हिस्सा दूध और 1 हिस्सा पानी। गौर से सुनिएगा, गाय के दूध में पानी नहीं मिलाते और भैंस के दूध में 3 हिस्सा दूध और 1 हिस्सा पानी। बहुत ज़्यादा पतला ना करें वरना उसकी गुणवत्ता ख़त्म हो जाती है और आप अपने बच्चे को खाली पानी पानी पिलाते हैं, क्योंकि अक्सर देखने को मिला है हमारे क्षेत्र में ऑलरेडी पानी मिला हुआ दूध बहुत आता है, नकली दूध बहुत आता है। और अगर आपको जरा भी डाउट है कि दूध सही नहीं आ रहा है तो आप डिब्बे का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 नंबर दूध। उसमें भी बनाने की तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बनाने में लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, जैसे कि 1 आउंस यानी कि 30 ml पानी लेते हैं, पानी वो भी उबाल के अपने थर्मस में भर लीजिएगा, नॉर्मल पानी ना लें, उबला ठंडा पानी लें, और 30 ml पानी में 1 चम्मच दूध का पाउडर मिलाते हैं। चम्मच का इस्तेमाल वही करिएगा जो दूध के डिब्बे में निकलती है, अपने घर की चम्मच का इस्तेमाल ना करिएगा, और उसमें भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ ना हो, बहुत ज़्यादा खाली ना हो, एक सा लेब भर के एक सा लेवल कर लीजिएगा और उसी रेशो में बनाइएगा, 30 ml पानी में 1 चम्मच यानी कि 60 ml में 2, 90 में 3, इसी तरह से मल्टीप्लाई करते जाइएगा, या 1 आउंस, 2 आउंस, 3 आउंस, इस तरह से उसको मेजर करिएगा और दूध बनाने के बाद उसको दूध पिलाइएगा कटोरी चम्मच से। बोतल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि बोतल का इस्तेमाल करने पर बच्चों को बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, इसलिए उसको कटोरी चम्मच से पिलाइएगा, सर ऊपर करके पिलाइएगा, और अगर वो दूध बच जाता है तो उसको फेंक दीजिएगा, उसको स्टोर करके ना रखिएगा, क्योंकि वो इन्फेक्शन का बहुत बड़ा कॉज हो जाएगा बच्चे के लिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है डॉक्टर अरुण जैन, जो कि नवजात एवं बाल रोग विशेषज्ञ है, जिनसे आज हम बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां ले रहे हैं कि किस तरीके से हम सर्दियों में न्यू बॉर्न बेबी को बचा सकते हैं, किस तरीके से उनकी केयर करनी चाहिए, इसके बारे में आज हम डॉक्टर से जानकारी ले रहे हैं। मगर दर्शकों, अभी वक्त तो चला है आपसे छोटे से ब्रेक का, अभी ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में। दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है डॉक्टर अरुण जैन, जो कि नवजात एवं बाल रोग विशेषज्ञ हैं, जिनसे आज हम जानकारी ले रहे हैं कि न्यू बॉर्न बेबी की हम किस तरीके से केयर कर सकते हैं, किस तरह से हम उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं सर्दियों में। दर्शकों, अभी हम डॉक्टर से बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि किस तरीके से दूध पिलाना चाहिए, अगर डिब्बे का दूध पिला रहे हैं तो कितनी मात्रा में पानी होना चाहिए, कितनी मात्रा में पाउडर होना चाहिए। डॉक्टर, आपने बताया था कि जो मिल्क पाउडर का जो दूध होता है उसको रखना नहीं चाहिए, उसको तुरंत फेंक देना चाहिए, जबकि हम दूध को बच जाता है उसको रख देते हैं फ्रिज में, उसके बाद हम फिर उसको पिलाते हैं, तो ये क्या कारण है, क्यों नुकसानदायक होता है बच्चों के लिए? एक्चुअली जो डिब्बे का दूध होता है उसमें चीनी मिली हुई होती है। डिब्बे के दूध में कभी भी बनाते समय चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता, वो रेडीमेड होता है। बस आपको उसमें पानी की मात्रा, जैसे मैंने बताया 30 ml में एक चम्मच दूध का पाउडर मिलाते हैं, उस रेशियो में बनाना होता है और उसको पिलाना होता है। जबकि आप देखेंगे नॉर्मली आप गाय भैंस का दूध पिलाते हैं तो उसमें आप चीनी उस समय मिलाते हैं जी। तो चीनी जब मिलाने के बाद अगर आप दूध को रखा छोड़ देते हैं तो वो एक बहुत बड़ा एक मीडिया बन जाता है बैक्टीरिया को ग्रो करने का, यानी कि उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे को दूध के साथ में इन्फेक्शन जाए, इसलिए अगर डिब्बे का दूध है तो उसको बनाने के बाद अगर बच जाता है तो फेंक दीजिएगा। ऐसे ही गाय भैंस का दूध अगर आपने बनाया है उसमें चीनी मिला दी है और वो बच जाता है तो उसको भी आप फेंक दीजिएगा। हाँ, अगर पानी वो चीनी नहीं मिलाई है और वैसे के वैसे उबला ठंडा दूध है उसको आप फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपने उसको बाहर छोड़ दिया गाय भैंस के दूध को तो उसमें भी बैक्टीरिया जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। तो जो भी दूध होता है उसको फ्रिज में रखिएगा और जब पिलाते समय उसको पहले उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ले आइएगा। ठंडा दूध बिल्कुल ना पिलाएं, उसको थोड़ा सा गुनगुना कर लें बच्चे के हिसाब से, और या फिर गर्मियों में रूम टेम्परेचर पर ले आएं, उसके बाद बच्चे को कटोरी चम्मच से पिलाएं ना कि बॉटल से। जी बिल्कुल डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि बोतल का यूज़ नहीं करना है बच्चों को पिलाने के लिए दूध, तो अगर मैं बात करूँ कुछ बच्चे जो होते हैं चम्मच से नहीं पिला पाते हैं या पेरेंट्स उनको नहीं पिला पाते हैं, तो अगर उनको बोतल से ही दूध पिलाना पड़ता है तो उस वक्त उनको क्या प्रोटेक्शन अपनाने चाहिए? ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ बच्चे को बॉटल से दूध पिलाना पड़े। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है जिन बच्चों का होंठ या तालू कटा हुआ होता है जी। इनफैक्ट होंठ कटा है और तालू भी सही है तो भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, तालू अगर कटा है तो वो बच्चे कटोरी चम्मच से दूध नहीं पी सकते, उनके अंदर हमें बॉटल से ही दूध पिलाना पड़ेगा। बॉटल से दूध पिलाते समय कुछ प्रिकॉशन ज़रूरी है, जैसे कि बॉटल और निप्पल, जैसे आप दूध पिलाते हैं उससे पहले कम से कम 10 मिनट खौलते पानी में उबाल लीजिएगा जी। अक्सर हमने देखा कि माएँ जो करती हैं उसको लेके सिर्फ धो देती हैं और कहती हैं मैंने साफ कर लिया तो वो पिलाते हैं, या कुछ माएँ क्या करती हैं सुबह 3-4 बोतलें उबाल ली, शाम को 3-4 बोतलें उबाल ली, तो दिन भर वो काम आ गई और फिर रात भर वो काम आ गई, वो भी एक गलत है। तो अगर आपके अंदर इतना सामर्थ्य है कि आप जितनी बार दूध पिलाते हैं उतनी बार बॉटल और निप्पल को उबाल सकते हैं तो ही आप उसमें बोतल पे जाइएगा, वरना अगर आप फिर भी, मैं यही कहूँगा कि बॉटल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये देखा गया है हमारे प्रैक्टिस में भी और नॉर्मली कि जो बच्चे बॉटल से दूध पीते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उन बच्चों में बार बार निमोनिया, बार बार दस्त, उल्टी, पेट खराब और गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है उन बच्चों के मुकाबले जो माँ का दूध पीते हैं या फिर कटोरी चम्मच से दूध पीते हैं जी। एक और चीज़ होती है, बॉटल से दूध पीने पे बच्चे का जो दांत होते हैं और जबड़ा है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, तो जब ऊपर की तरफ जाएगा तो उनका डेंटिशन या दांत का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, उनके बोलने की स्पीच यानी कि बोलने की जो तरीका है वो ख़राब हो जाता है, वो नाक से बोलना शुरू कर देते हैं और उनको चूँकि स्पेस कम रह जाता है नाक के आसपास का तो उन्हें खांसी जुकाम ज़्यादा होता है, स्पीच उनकी ख़राब हो जाती है, उनकी इम्यूनिटी पावर या बीमारी से लड़ने की पावर कम हो जाती है, इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। तो बॉटल से दूध पिलाने में एक भी फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। तो ऐसा हम अपने बच्चों को क्यों दें चीज़ जिससे हमारे बच्चों की सेहत पर गलत असर पड़े, इसलिए बॉटल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और मॉडर्न ज़माने में मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे ज़्यादातर माएँ बच्चों को अपने दूध ना पिला के बॉटल का दूध और ऊपर का डिब्बे का दूध पर ज़्यादा जा रही हैं, जो कि गलत है। माँ का दूध सर्वोत्तम है, कृपया करके माँ का दूध ही पिलाइएगा। अगर मजबूरी है, कुछ बीमारी है या बच्चे के अंदर कुछ कॉन्जनेटल एनोमली है, कटा हुआ तालू है, तभी आप बॉटल का इस्तेमाल करें वरना ना करें जी। डॉक्टर साहब, अगर बात करूँ जो बोतल का दूध पिलाया जाता है तो अगर बोतल की साफ़ सफाई की बात करूँ तो कितने टाइम तक साफ सफाई उसकी सफाई करनी चाहिए, कितने टाइम पर उसको बॉयल करना चाहिए?
जितनी बार आप दूध पिलाएंगे उससे पहले उसको बॉयल करना जरूरी है। जी आप उसको बॉयल करके रख नहीं सकते क्योंकि फिर उसमें बैक्टीरिया या कीटाणु आ जाएंगे और वो इन्फेक्शन का एक बहुत बड़ा कारण बनती हैं। और ये गलतियाँ अक्सर माँ बाप करते हैं। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और इसलिए मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ कि कृपया करके बॉटल से ना पिलाएं। और अगर मजबूरी है तो जितनी बार आप दूध पिलाएंगे उससे पहले आपको बॉटल और निप्पल दोनों को खौलते पानी में 10 मिनट उबालना पड़ेगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर्स के साथ बात करूँ, जो हमारे भारतीय परंपरा होती है उसमें बोलते हैं कि बच्चे के 6 दिन बाद जो छठी बोली जाती है उसमें बच्चे के काजल लगाया जाता है आँखों में, तो वो आजकल देखा जा रहा है कि बच्चा ठीक तो हुआ था जब उसका जन्म हुआ था, लेकिन काजल लगाने के बाद उसकी आँखें पलट जाती हैं, उसको देखने में वो भेड़ा सा हो जाता है। तो क्या बोल सकते हैं कि इसका मेन रीज़न ये काजल ही है, क्योंकि पहले भी ये चली करती थी परंपरा, तब इतनी केसेस नहीं देखे जाते थे, बट आजकल ज़्यादा ये केसेस देखे जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? जी, काजल बच्चों को बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। और ये जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमारे देश में लगभग 90% मैं देखता हूँ कि माएँ बच्चों को काजल लगाती हैं और उनको मना करते हैं कि काजल ना लगाओ, तो जी बड़ी अचरज भरी निगाहों से हमें देखती हैं कि काजल क्यों ना लगाएं। जी काजल तो बहुत ज़रूरी है बच्चे जी के, तो ये ज़रूरी है कि बच्चे को काजल ना लगाए क्योंकि आप उसका फ़ायदा कुछ नहीं कर रहे हैं। आँखों का जो साइज़ है, जी अक्सर उनका तर्क ये होता है कि हमारे बच्चे की आंखें छोटी हो रह जाएंगी, छोटी रह जाएंगी। जी तो कुदरत में जो जो साइज दिया है वो काजल लगाने से छोटा बड़ा नहीं हो सकता, जी वो उसकी शेप है, कुदरती शेप है, जी ना छोटा होगा ना बड़ा होगा। आप काजल लगा के अपने बस अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं, लेकिन आप अपने बच्चे को इन्फेक्शन की तरफ ढकेल रहे हैं, उसकी आंखों में इन्फेक्शन डाल रहे हैं। हो जी सकता है आपने लगाते समय अपने हाथ ना धोओ, काजल प्रॉपर नहीं मिला हो आपको, जी मिलावटी कागज बहुत आ रहे हैं आजकल, प्रॉब्लम ये रही है। और जी कई बार हमने देखा अपने ओपीडीज में कि बच्चे की आंख तक चली गई है उसे इन्फेक्शन की वजह से, कई जी बार ऐसे केसेस सामने आए हैं। अभी रिसेंटली एक केस अखबार में भी आया था कि जी जिसमें बच्चे की एक आंख चली गई थी काजल की वजह से, तो काजल का उपयोग ना करें। एक और प्रथा है जी जो माँ बाप करते हैं कि पैदा होने के बाद बुआ या कोई रिश्तेदार आएगा वो बच्चे को दूध पिलाएगा, तो जी कई बार हमने देखा है कि इस प्रथा के कारण अगर बुआ जी को आने में देर हो गई या मौसी को आने में देर हो गई तो जी बच्चा 6 घंटे तक दूध नहीं पीता, तो वो एक बहुत गलत प्रथा है। आप बच्चे को दूध पैदा होने के तुरंत बाद पिलाइएगा। ये जी आपकी बात अलग है कि जो भी रिश्तेदार आते हैं उनसे आप प्रथा के तौर पर दोबारा से उसको दूध पिलवा सकते हैं, वो भी माँ का दूध, उसमें भी कोई शहद या ऊपर की चीज़ का इस्तेमाल ना करें, गाय भैंस का दूध का इस्तेमाल ना करें, माँ का दूध ही निकाल के उसको दोबारा से पिला सकते हैं। लेकिन मेहरबानी करके बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के तुरंत बाद उसको दूध जरूर पिला दें, वरना हाइपोग्लासीमिया यानी कि शुगर की जो कमी होती है ये बच्चों में पाई जाती है और इसके बहुत ही ख़राब परिणाम होते हैं। कई बच्चों में हमने देखा है दौड़े आने शुरू हो जाते हैं और उनके दिमाग पे गलत असर पड़ता है और ये बच्चे आगे चल के दिमाग से कमज़ोर हो जाते हैं और जिसका कि कोई भी इलाज नहीं है पूरी दुनिया में। तो ये एक बहुत ही गलत प्रथा है कि हम बच्चे को वेट कराते हैं किसी के आने पे कि कोई आएगा तब हम दूध पिलाना शुरू करेंगे। कृपया करके ऐसा ना करें, पैदा होते ही बच्चों को समय समय पर दूध पिलाएं और दूध का गैप भी 2 या 3 घंटे का होना चाहिए, ये नहीं कि हर एक घंटे आधे घंटे पर आप दूध पिला रहे हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर आपने बताया शहद चटाने का, इसी के साथ बात करूं कि अभी जो हमारे यहाँ भारतीय में ज़्यादा देखा जाता है कि सर्दियां शुरू होती हैं तो बच्चों को चाय पिलाने की कोशिश की जाती है और बाकी बाकी और टाइम पर उनको शहद चटाया जाता है, बच्चों को ये आदतें डाली जाती हैं कि कहते हैं कि उसके शरीर को प्रोटेक्शन मिलेगा मौसम से, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, क्या ये सही है? जी, ये प्रथा बहुत ही गलत है। चाय पिलाने से बच्चे के अंदर कभी भी गर्मी नहीं आती है। बच्चे का अपने गर्मी और सर्दी लगने का एक अलग मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से बच्चा ठंडा गर्म होता है। अगर आपको सर्दी का इतना ही प्रॉब्लम है तो उसके कपड़ों पर ध्यान दीजिएगा, अपने आसपास का जो वातावरण है उस पर ध्यान दीजिएगा, ना कि आप चाय पिला के उसको इन्फेक्शन दे रहे हैं और वो आदत बहुत ख़राब है बच्चे के लिए। कई बार नवजात शिशु जो आते हैं, माँ बाप कंप्लेन करके आते हैं कि हमारे बच्चे को दस्त हो गए हैं, और जब हम उनकी हिस्ट्री पूछते हैं तब पता लगता है कि कुछ ना कुछ उन्होंने गड़बड़ी करी है और ज़्यादातर उसमें चाय निकल के आती है। गर्मियाँ होती हैं तो शहद और जाड़े होते हैं तो चाय। तो ये प्रथा कृपया करके बंद करिए। पहले 6 महीने बच्चे को एक चीज ध्यान रखिएगा, सिर्फ माँ का दूध और कुछ भी नहीं देना है। यहाँ तक कि बच्चे को 6 महीने तक पानी भी नहीं पिलाते। जी अगर गर्मी है तो पानी नहीं पिलाते। माँ के दूध में 60-70% पानी होता है जो बच्चे के लिए सफिशिएंट होता है। तो कृपया करके बच्चे को कुछ ना दें इस तरह की चीज़ें, चाहे वो शहद हो, चाहे काढ़ा हो, चाहे घुट्टी हो, या अलग अलग जो कल्चर है, अलग अलग कल्चर में अलग अलग चीज़ें होती हैं, उनका सेवन ना करें।
जी डॉक्टर, इसके तो एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि आजकल देखा जा रहा है कि जो ट्विंस बच्चे होते हैं, ट्विंस से भी ज्यादा जो बच्चे जन्म होता है उनका, तो क्या वो बच्चे सामान्य होते हैं या उनमें कुछ असामान्य होते हैं, कुछ उनमें कमियां पाई जाती हैं? जी, अगर एक से ज्यादा बच्चे होते हैं, स्पेशली जो ट्रिपलेट्स यानी कि तीन बच्चे होते हैं, तो ये देखा गया है कि वो ज्यादातर हमने देखा है कि वो समय से पहले हो जाते हैं, क्योंकि उनमें, और जब बच्चा समय से पहले होगा तो उसके शरीर का विकास नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट आता है उसके फेफड़े। फेफड़े जो है आखिरी के जो महीना होता है, नवा महीना जो होता है, उसमें सबसे ज्यादा विकसित होते हैं। उनके फूलने की क्षमता, एक तरह के ये मान के चलिए हमारे फेफड़े जो हैं हजारों लाखों गुब्बारे, छोटे छोटे गुब्बारों को मिलके बनता है। तो अगर बच्चा जो है समय से पहले होगा तो उसके जो गुब्बारे होंगे वो पिचके हुए होंगे, तो उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ होगी, तो उसको जोर लगाना पड़ता है, एह एह की आवाज़ बच्चा निकालता है, यानी कि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी डिस्टर्ब। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, और उसके साथ में जब शरीर का विकास नहीं होता है पूरी तरह से, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम उन बच्चों में ज़रूर आती है। एक और प्रॉब्लम आती है कि इनके अंदर फैट टिश्यू जो वो कम होता है, तो इनका जो टेम्परेचर है बहुत तेज़ी से कम हो जाता है, बहुत जल्दी ठंडे पड़ जाते हैं जी। इनका बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है, तो ग्लूकोज लेवल एकदम तेज़ी से इनका नीचे चला जाता है कभी कभी जी, और या फिर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और अगर समय पर नहीं मिलता उन्हें NICU की सुविधा या डॉक्टर की प्रॉपर वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो इनमें एनोमलीज के चांसेस या प्रॉब्लम्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो ट्रिपेट्स या जुड़वा या ज़्यादा बच्चे होते हैं, उनमें देखा गया है कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आती है, और उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है समय पर। जी बिल्कुल, डॉक्टर्स के साथ बात करूं कि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, इस मौसम में छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें निमोनिया, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम देखी जाती है, तो इस तरह के बच्चे की हम केयर किस तरीके से कर सकते हैं? ये बहुत ज़रूरी है कि अक्सर जो है जाड़े में जो ये होता है वायरस से निमोनिया ज़्यादा होता है जी। और उसमें क्या होता है, शुरुआत जो होती है हल्के बुखार से होती है जी। ये देखा गया, उसके बाद हल्की सी नाक बहनी शुरू हो जाती है और साथ में बच्चे को खांसी हो जाती है जी। तो ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं इसको नज़रअंदाज ना करें। प्रॉब्लम्स तब होती है जब माँ बाप उसको नज़रअंदाज करते हैं या अपने आप दवा देने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे ये बीमारी काफ़ी बढ़नी शुरू जाती है और बच्चा कराहना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके बच्चे में जरा भी प्रॉब्लम है या आपको लग रहा है बच्चा आपका कराह रहा है, या आप देखेंगे यहाँ पसली से कहते हैं, ये अंदर बाहर तेज़ी से होनी शुरू हो जाती है, और अगर बच्चा जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, उसकी ये पसली ज़्यादा तेज चल रही है, या यहाँ पे सांस लेने में यहाँ पे गड्ढे पड़ रहे हैं, या उसके नथुने फूल रहे हैं, तो ये इसको हम कहते हैं डेंजर साइन जी। तो डेंजर साइन है अगर, तो अपने डॉक्टर से सलाह लें और उसका ट्रीटमेंट लें, साथ में प्रॉपर कपड़े पहनाएं उसको, कपड़े भी बहुत ज़्यादा ना हो। अपना मैंने कहा वातावरण देखिएगा, जो इंसान नदी के पास रह रहा है, गांव में खेत के पास रह रहा है, उसका वहाँ पे बहुत ठंडा होगा, वनस्पति जो बंद कमरे में है वहाँ का तापमान बहुत गर्म होगा, तो ये नहीं कि गर्म तापमान में आप बहुत ज़्यादा कपड़े पहना दें, तो उसको देख के जो नेवल आपको ठीक लग रहा है उससे थोड़ा गर्म होना चाहिए बच्चा, ये नहीं कि आप पहने हो एक स्वेटर उसको पहना दिए चार स्वेटर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक विशेष ध्यान देना पड़ेगा, साथ में सोते समय भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रजाई आप इस्तेमाल कर रहे हो मोटी रजाई, वो उसके लिए काम नहीं आएगी, आप पूरा रजाई ओढ़ के सो जाते हो और बच्चे का दम घुट जाता है उसमें, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि बच्चे का मुंह ना ढके, यहाँ तक ढकें उसको, उसका सांस लेने का जो रास्ता है नाक और मुँह वो खुला रह रहा है रजाई उड़ाते में, और उसके वजन से बहुत ज़्यादा भारी ना हो रजाई, वरना उसका दम घुट जाएगा। तो ये प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे, अपने जो वातावरण है उसका तापमान नॉर्मल रखना पड़ेगा, तो आपके बच्चे को प्रॉब्लम होने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी। और स्पेशली मॉर्निंग में और शाम के वक्त बच्चे को घर से बाहर ना निकालें जब बहुत तेज हवा चलती है। अगर आपको बाहर के प्लानिंग है तो दोपहर के वक्त बच्चे को बाहर लेके जाइएगा, जब समय धूप होती है तो चांसेस कम हो जाएंगे आपके। जी बिल्कुल, डॉक्टर्स के साथ बात करूं कि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, इस मौसम में अगर जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फैमिली वाले जो होते हैं रूम हीटर का प्रयोग करते हैं, तो अगर बात करूँ उसके रूम हीटर के टेम्परेचर की, तो लगभग कितना होना चाहिए एक छोटे बच्चे के हिसाब से? देखिए नॉर्मल जो कंफर्टेबल जोन होता है वो 25 से 30 डिग्री होता है रूम का, तो आप उसको उसी लेवल पे मेंटेन रखिएगा। बहुत ज़्यादा सर्दी है तो 30 पे ले जाइएगा, अदरवाइज अगर हीटर का इस्तेमाल भी करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा गर्म ना करें। अक्सर देखा हमने, और हीटर का इस्तेमाल करते हुए भी ध्यान रखना पड़ेगा, धुएं वाली चीज़ें का इस्तेमाल ना करें, जैसे कोयला जलाते हैं लोग बार,
या धुएं वाले हीटर्स होते हैं उनका इस्तेमाल ना करें, प्रॉपर हीटिंग वाले जो आते हैं उनके इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लोअर का इस्तेमाल भी कम करिएगा, क्योंकि उसकी जो गर्म हवा से आपकी त्वचा काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, आपके शरीर में बच्चे में पानी की कमी आनी शुरू हो जाती है। और हीटर को बच्चे के पास ना रखें, अगर ये बच्चा है तो आपका हीटर जो है आपके कमरे की दीवार की तरफ चेहरा होना चाहिए, ना कि हीटर जो है पूरा बच्चे के पास में ला के रख दीजिएगा। उससे क्या होता है कि एक साइड से बच्चा गर्म हो जाता है और दूसरी साइड से उसका तापमान ठंडा होता है, तो अंदर शरीर के अंदर एक तरफ गर्म खून एक तरफ ठंडा खून जब ये आपस में मिक्स करते हैं तो उसके ब्रेन में प्रॉब्लम आ सकती है बच्चे के अंदर। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि हमको बॉडी गर्म नहीं करनी है, कमरा गर्म करना है, तो उसके हिसाब से हीटर को बच्चे से दूर रखिएगा, ताकि बच्चा अगर खेलते समय उस पर कोई बच्चे बड़े होते हैं उसे खेलते समय उसका हाथ लग जाता है, जल जाते हैं बच्चे उससे। तो बच्चे से दूर होना चाहिए और कमरे के दीवार की तरफ होना चाहिए। अंगीठी या धुएं वाले हीटर का इस्तेमाल ना करें, ब्लोअर का इस्तेमाल भी कम करें, जो हीटिंग रॉड्स होती हैं वो काफ़ी इफेक्टिव होती हैं, और साथ में उसके अंदर कमरे के अंदर ऑक्सीजन की कमी ना हो, क्योंकि जितने हीटर्स होते हैं वो ऑक्सीजन की मात्रा को कंज्यूम करते हैं। तो दिन के समय या रात में भी एक छोटी सी खिड़की ऐसी होनी चाहिए जहाँ से ऑक्सीजन आ जा सके और गंदी हवा बाहर जा सके और प्योर ऑक्सीजन अंदर आ सके। हल्का सा संद छोड़ दीजिएगा या कोई खिड़की खुली छोड़ दीजिएगा, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो दिन के समय कृपया करके हीटर बंद करें और कमरे को खुला छोड़ दें, ताकि जितनी भी पुरानी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड जो इकट्ठी हो जाती है वो बाहर चली जाए और फ्रेश एयर यानी कि ऑक्सीजन जो हमें चाहिए सांस लेने में वो कमरे के अंदर आ जाए और आपका वातावरण हेल्दी हो और बच्चों को सांस लेने में घुटन महसूस ना हो। ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जी डॉक्टर, सर्दियां शुरू हो चुकी है, इस मौसम में जो बच्चे होते हैं, अब बोला जाता है कि बच्चों की मालिश करना काफी हद तक उनकी सेहत के लिए अच्छा रहता है, बट सर्दियां होती है लोग उसको अवॉइड करते हैं पेरेंट्स, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, मालिश कितनी ज्यादा जरूरी है बच्चों मालिश के लिए? मालिश करना बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, बच्चे की मालिश दिन में एक बार या दो बार जरूर करना चाहिए, स्पेशली नहाने के समय के आसपास, पहले या बाद में जब भी आपको सूटेबल लगे कर देना चाहिए। नहाने के बाद मॉइस्चराइजिंग लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर सर्दियां हो रही हैं आप बच्चे को बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं तो नहाने के तुरंत बाद आधे घंटे के अंदर अंदर अगर आप मॉइस्चराइजिंग लोशन का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी त्वचा ठीक रहती है। अब रहा सवाल टेम्परेचर का, तो एक तो आपको रूम का टेम्परेचर वैसे मैंने बताया भी मेंटेन करना पड़ेगा, आप ऐसा नहीं कि उसके सारे कपड़े उतार दें और ठंडा मौसम हो ठंडा कमरा हो तो डेफिनेटली बच्चे को नुकसान होगा। ऐसे नहाते समय भी आपके बाथरूम का टेम्परेचर भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। नॉर्मली आप लोग बाथरूम का टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाते हैं और फिर कंप्लेंट लेके आते हैं कि नहाने से मेरे बच्चा बीमार हो गया। नहाने से बच्चा कभी बीमार नहीं होता, नहाना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को जरूर नहलाइएगा, हफ्ते में कम से कम 2-3 बार तो ज़रूरी है नहलाना बच्चे को, लेकिन अपना जो वातावरण है उसका टेम्परेचर को जरूर मेंटेन करिएगा। अगर आप टेम्परेचर मेंटेन करेंगे तो डेफिनेटली सर्दी का असर बच्चे को नहीं आएगा, इसलिए मालिश भी जरूरी है और नहाना भी जरूरी है, इन चीज़ों को जाड़े में बंद ना करें प्लीज। जी बिल्कुल डॉक्टर, इसके साथ मैं जानना चाहूंगी, आपने बोला कि 6 महीने तक फीडिंग करानी चाहिए बच्चे को, अगर मैं बात करूँ पौष्टिक आहार की तो क्या 6 महीने के बाद बच्चों को पौष्टिक आहार देने चाहिए? जो कुछ पेरेंट्स से होते हैं कि नहीं 9 महीने तक बच्चे को दूध ही दूध पिलाते हैं, सिर्फ दूध पर निर्भर रखते हैं, बोलते हैं कि नहीं उन्हें खाना पीना अभी नहीं देना है, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? माँ का दूध मैंने बताया इससे कम्प्लीट माँ का दूध सिर्फ 6 महीने तक, उसके बाद माँ का दूध 2 साल तक चलता रहेगा, लेकिन 6 महीने पे बच्चे को पौष्टिक आहार जैसे दाल का पानी सब्जी का पानी ये शुरुआत कर दीजिएगा। ये नमकीन होना चाहिए, उसमें मिर्ची ना हो, और धीरे धीरे करके उसकी मात्रा को बढ़ाइएगा और उसको गाढ़ा करते जाइएगा, इससे आपके बच्चे में पौष्टिक आहार जाएगा और उसका वजन प्रॉपर बढ़ता रहेगा, लेकिन माँ का दूध 2 साल की उम्र तक बच्चे को चला सकते हैं साथ में। जी बिल्कुल दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं अरुण जैन, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं, जिनसे आज हमने बहुत सारी जानकारियां ली कि हम किस तरीके से न्यू बॉर्न बेबी की हम केयर कर सकते हैं, उन्हें क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं खिलाना चाहिए, इन सब के बारे में आज हमने दर्शकों डॉक्टर से जानकारी ली। मगर दर्शकों वक्त तो चला आपसे विदा लेने का, इसी के साथ डॉक्टर मैं जानना चाहूंगी आप हमारे चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहूंगा कि एक तो बच्चे के खाने पीने का जो विशेष ध्यान रखिएगा, उसको सिर्फ माँ का दूध पिलाइएगा, नवजात शिशु को ऊपर का दूध ना पिलाएं, बॉटल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और समय पे अपने बच्चों को टीका करवाइएगा। अगर आप ये सब करते हैं तो आपका बच्चा बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ेगा। और बस नमस्कार। जी बिल्कुल दर्शकों, आज हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।